मनीष कश्यप के साथ क्यों हो रहा भेदभाव? कानून के नजर में गुनाह एक तो फिर सजा अलग क्यों? किस गलती की सजा काट रहे मनीष कश्यप? तमिलनाडु मामले में दैनिक भास्कर को मिली राहत, आखिर कब होगा मनीष कश्यप का न्याय? एक को जमानत तो दूसरे को जेल क्यों? मनीष कश्यप इन दिनों मदुरई के जेल में है। उनके जेल में होने का और उन पर एनएसए लगाने का कारण बताया गया था फर्जी खबर चलाना। याद दिलाते चले कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को लेकर जो खबर फर्जी बताई गई, उसे मनीष कश्यप से पहले प्रिंट मीडिया के कई न्यूज़पेपर द्वारा चलाया गया था। वहीं तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी खबर को चलाने के मामले में दैनिक भास्कर को जमानत मिल गई है। इस मामले में जेल में बंद मनीष कश्यप पर फिलहाल कार्रवाई जारी है। हर कोई उनके न्याय की जल्द से जल्द उम्मीद कर रहा है। हर कोई का यही जानना चाहता है कि जब दैनिक भास्कर को इस चीज में जमानत मिल गई तो मनीष कश्यप की बात क्यों नहीं की जा रही। केवल हैरानी इस बात की है, जो व्यक्ति उन पेपरों को माध्यम बनाकर सच की राह में निकला, आज वो जेल में बंद है और उसके लिए किसी तरह का कोई न्याय दूर दूर तक नहीं दिख रहा। आखिर ये किस तरह की लड़ाई है जिसमें एक की जीत हो जाती है और दूसरे के लिए कोई रास्ता तक नहीं बचता। हमारा देश संविधान से चलता है और इस संविधान में हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए एक समान ही न्याय है, एक समान ही नियम कानून। लेकिन अगर ऐसा है तो मनीष कश्यप के मामले में क्यों नहीं? क्यों मनीष कश्यप न्याय की उम्मीद में बैठे हैं? वहीं दैनिक भास्कर को इस मामले में जमानत मिल गई है। दैनिक भास्कर पेपर के मालिक हो, उनके टीम वाले हो या फिर ये पेपर हो, उन्हें जमानत मिले ना मिले ये जरूरी नहीं है। लेकिन बुराई इस बात में है कि जब एक ही गलती के लिए किसी को जमानत मिल जाती है तो दूसरे को क्यों नहीं। जिस मामले ने बीते दिनों तूल पकड़ा, वो तमिलनाडु में बिहार मजदूरों पर हुए कथित हमले को लेकर हर कुछ साफ था। पहले इस खबर को किसने चलाया, बाद में उसे देखने के बाद किसने ट्वीट किया और किसने फॉलो बैक के लिए वीडियो बनाया। लेकिन बावजूद इन सब के रडार पर आया केवल एक नाम, मनीष कश्यप। हम ये भी नहीं कह रहे कि मनीष कश्यप को लेकर हम कोई फैसला सुना रहे हैं, हम जज नहीं हैं, लेकिन हमें जिस तरह संविधान पर भरोसा है उसी तरह इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, सच सबके सामने है, फिर भी न्याय में देरी हो रही है, सबके लिए न्याय एक समान क्यों नहीं है। वहीं बीते दिनों आई एक और खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक शख्स को हाल ही में न्याय मिला है। हम बात कर रहे हैं तिस्तल सीतावाड़ा की। ये वही नाम है जिन पर गुजरात के गोधरा दंगे में गलत सबूत और गवाहों को पेश करने का आरोप लगा था। सोशल एक्टिविस्ट तिस्ता सीतलवाड़ के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट खुला, जजों की पीठ बनाई गई और न्याय मिल गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने समाज के लिए दिन रात काम किया, हमेशा सच दिखाया, उस व्यक्ति का केस कोर्ट से खारिज कर दिया गया। मनीष कश्यप के परिवार वाले, उनके चाहने वाले और बिहार के लोग, हर किसी का यही सवाल है कि इन दो मामलों में जब जमानत मिल सकता है तो फिर इसमें मनीष कश्यप पीछे क्यों है? मनीष कश्यप के लिए ये सारे प्रावधान क्यों नहीं है?